नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार में पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार में एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम सोमवार को जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल और राजद की बीमा भारती की ओर से एनडीए और इंडिया अलायंस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। उपचुनाव में यूथ वोटर ही तय करेंगे कि अगला एमएलए कौन बनेगा। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में जहां सीएम नीतीश कुमार ने जदयू प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए बीमा भारती पर निशाना साधा, वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की ओर से बीमा भारती को समर्थन दिए जाने से राजद प्रत्याशी को बड़ी राहत मिली। चुनाव प्रचार का शोर सोमवार को थम जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजद प्रत्याशी के पक्ष में तेजस्वी यादव भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कई केंद्रीय मंत्रियों ने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। रविवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने ओरलाहा, भवानीपुर और टीकापट्टी के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार कलाधर मंडल को जिताने की लोगों से अपील की। इस अवसर पर चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव के केंद्र में एनडीए सरकार के जल्द गिरने पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार मजबूती से काम कर रही है। वहीं जीतन राम मांझी ने राजद पर बिहार में जंगल राज फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीबों, दलितों और वंचितों सभी के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इधर महागठबंधन की ओर से भी कई वरिष्ठ नेताओं ने राजद उम्मीदवार बीमा भारती के समर्थन में सभा और रोड शो किया। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जीत बाद विधायक कौन बनेगा ये यहां के यूथ वोटर ही तय करेंगे। रुपौली में 29 साल की उम्र तक के 57,510 वोटर हैं, जबकि 3,950 फर्स्ट टाइमर वोटर हैं। युवा वोटरों में चुनाव को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। रुपौली में कुल 3,13,645 वोटर हैं, जिसमें 1,51,295 महिला वोटर शामिल है। महिला वोटर की भी चुनाव में अहम भूमिका होगी। पुरुषों से अधिक संख्या में महिला वोटर है मतदान केंद्रों पर पहुंचती है। रुपौली में 10 जुलाई को मतदान होगा, जबकि मतगणना 13 जुलाई को होगी। उपचुनाव में 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जदयू ने चुनावी मैदान में कलाधर प्रसाद मंडल को उतारा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।